हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। ए बार एंड बी बार आर यूनिट वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय के। इफ ए प्लस टू बी एंड फाइव ए माइनस फोर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया कि ये जो ए वेक्टर ये जो ए प्लस टू बी है और फाइव ए माइनस फोर बी है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे ए प्लस टू बी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग फाइव ए माइनस फोर बी के साथ, और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5a के साथ, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। देखो हमें पता होना चाहिए कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है कुछ इस तरह से, इसलिए मैंने यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है। उसके बाद माइनस a इंटू माइनस फोर बी क्या होगा, माइनस फोर ए डॉट बी, राइट। उसके बाद 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू फाइव जा टेन, फिर से a डॉट b और माइनस 8b² = 0। एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन था जिसमें a डॉट a स्क्वायर होता है और b डॉट b बी स्क्वायर हो जाता है। ओके, सो नाउ 5a स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहां पे माइनस 4 टाइम्स a डॉट b और प्लस 10 टाइम्स a डॉट b, तो ये कितना होगा यहां पे, ये हो जाएगा प्लस 6 टाइम्स a डॉट b और माइनस 8b² = 0। ओके, नाउ यहां पे और एक चीज कि ए और बी क्या है, ए और बी है यूनिट वेक्टर। तो अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉड रहेगा इट इज इक्वल्स टू 1, मॉड मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड, और बी मॉड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 1। तो यहां पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है ये क्या है, ये क्या बोल सकते इसको, मैग्नीट्यूड है। तो ये हो जाएगा 5 × 1² + 6 × a·b और माइनस 8 × 1² = 0। तो 5 + 6 × a·b माइनस 8 = 0, तो 6 × a·b माइनस 3 = 0, ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 8 हो जाता है माइनस 3, राइट। अब क्या, तो अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करते हैं और 3 को मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो देखो हमें क्या मिलेगा। या फिर हम लोग इस तरह से भी जा सकते हैं कि 3 को मैं शिफ्ट कर देता हूं, पहले 6 टाइम्स यहां पे देखो ये होगा 6 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल्स टू 3 और फिर a डॉट b इज इक्वल्स टू 3/6। ओके, तो 3/6 कितना होता है, 1/2। चलो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इसको, तो a डॉट b की वैल्यू हो जाएगी इट इज 1/2। अब a डॉट b मतलब क्या, इट इज ए बी कॉस थीटा, थीटा इज वॉट एंगल बिटवीन ए और बी। और क्वेश्चन में अगर चलते तो क्वेश्चन में देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना दिया है, ये है पाई बाय के, तो चलो रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। सो हियर इट इज ए बी कॉस पाई बाय के, सॉरी इट इज के इज इक्वल्स टू 1/2। फिर से यहाँ पे ए और बी क्या है, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी, और ए बी क्या थी यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 इंटू कॉस पाई बाय के इज इक्वल्स टू 1/2। तो फाइनली हमें मिलेगा कॉस पाई बाय के इक्वल्स टू 1/2। लेकिन हमें पता है कि कॉस की कौन सी वैल्यू, ये 1/2 होती है, कॉस 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, 60 मतलब क्या पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे ये जो पाई बाय के है, देयरफॉर पाई बाय के इज नथिंग बट द पाई बाय 3, तो यहां से पाई और पाई कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या हो जाती है 3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ या फिर इंटीजर वैल्यू ऑफ के। ओके,